दोस्तों आप देख रहा है एकदम क्लीन सिटी मस्कट। आप देखिए हम जा रहा है, ये मस्कट का जो गोबरा एरिया है, गोबरा एरिया से मैं जा रहा है। देखिए एकदम क्लीन रोड, आसपास का जगह, घर, सब कुछ एकदम क्लीन है। लोग बोलते हैं क्लीन सिटी है मस्कट, गल्फ रीजन में एकदम नंबर वन आता है क्लीन में। तो आप देखिए एकदम क्लीन सिटी कैसा, आपको नज़ारा अच्छा लगेगा। दिन का है, दिन का नज़ारा कैसा लगता है। पहले मैं बनाया था, रात का बनाया था, आप ये दिन में देख रहा है, रास्ते में जा रहा है और आसपास का घर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आप देखिए सब कुछ साफ है, रोड में एक पेपर भी नहीं मिलेगा आपको, कोई गंदा चीज, कोई भी चीज जो अब बुरा लगे ऐसा कोई चीज आपको नजर नहीं आएगा। रोड भी एकदम अच्छा रोड है, प्लेन रोड। रोड के लिए लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं। नजर आया आसपास में, देखिए खुला जगह, यहाँ गाड़ी भी चलता है 120 स्पीड से अभी गाड़ी चलता है। सारे गाड़ी अच्छा अच्छा गाड़ी इधर ही है, नजर आया है गल्फ रीजन में जितना वर्ल्ड का नंबर वन गाड़ी इधर ही पहले नजर आता है, क्योंकि इधर का ऑयल थोड़ा सस्ता है तो ज़्यादातर लोग यहाँ का जो बड़ा लोग है, शेख लोग हैं, तो महंगे गाड़ी यूज़ करते हैं। अभी मैं गोबरा छोड़ के आजीवा आ गया, इसका नाम आजीवा है, ये भी अच्छा एरिया है। अब ईद का छुट्टी है इसलिए ज़्यादा कोई गाड़ी कम है, नहीं तो पहले बहुत इधर जाम लग रहता है या गाड़ी बहुत होता है। अब थोड़ा कम गाड़ी है क्योंकि अब ईद का छुट्टी है, एक हफ्ता पूरा छुट्टी है। आज थर्सडे है, देखिए अब पूरा खुला लगेगा। आजीवा में यहाँ तक आजीवा होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है एयरपोर्ट, मस्कट एयरपोर्ट एरिया, मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया। पूरा खुला एरिया है, बड़ा एरिया, एयरपोर्ट का तो बड़ा होता ही है। तो आप देखिए ये आवाज़ 120 का आवाज़ आता है, 120 का गाड़ी कैसा आवाज़ आता है। यहाँ का हर गाड़ी ऐसे होता है 120 के ऊपर आवाज़ आता है, कि गाड़ी ऐसे ही कंपनी ऐसे ही करके बनाया, 120 हो जाएगा आवाज़ देने का, ताकि ड्राइवर को जो गाड़ी चलाता है उसको ये सतर्क हो जाए कि अभी गाड़ी 120 में जा रहा है।
एयरपोर्ट का एरिया है, आस पास में कोई आपको घर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट में रूल्स ही है, एयरपोर्ट का जो राइट साइड जा रहा है ये पूरा एयरपोर्ट का एरिया है, रूल्स है एयरपोर्ट का 400 मीटर के अंदर कोई ऊंचा घर नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट के अंदर तो कोई, एयरपोर्ट के अंदर का एरिया में तो कोई घर होना ही नहीं चाहिए, नहीं होगा, अब कोई घर नजर नहीं मिलेगा आपको। सब एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन है, पहले यह पुराना एयरपोर्ट था, पुराना एयरपोर्ट को अभी थोड़ा आगे करके नया एयरपोर्ट बनाया, थोड़ा अंदर करके बनाया, उसके लिए अलग से रोड है जाने का। पहले यह पुराना एयरपोर्ट का एयरपोर्ट था, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये पुराना एयरपोर्ट था, अभी ये बंद कर दिया क्योंकि ये छोटा था। ये जो आप फ्लाई ओवर देख रहा है यहाँ से जाने का रास्ता था एयरपोर्ट के अंदर, आप देख लिया कि कितना क्लीन है। इतना टाइम मैं आपके साथ जा रहा हूँ, देखिए कोई आपको गलत पेपर, टिश्यू पेपर, पेपर गाछ, झाड़ का पत्ता, झाड़ का पत्ता साइड में झाड़ है, देखो आपको पत्ता नजर नहीं आएगा, ये पत्ता पड़ा हुआ है, बहुत पत्ता पड़ा हुआ है, या तीन चार दिन का पत्ता पड़ा हुआ है, नहीं वो हर डेली का डेली अलग क्लीन कर लेते हैं। ये लोग क्लीन के लिए बहुत पैसा खर्चा करता है, क्योंकि ये लोग, इसका एक ही कारण है, यहाँ का पॉपुलेशन उतना ज्यादा नहीं है, टोटल कितना 40 लैक्स ऐसा कुछ पॉपुलेशन है, 40 लैक्स किधर है अपना इंडिया तो 130 करोड़ ज्यादा, हम लोग को मेंटेनेंस करना आसान नहीं है, और ये लोग थोड़ा अमीर कंट्री है तेल के वजह से, तो ये लोग खर्चा कर सकता है। आसपास पे देखो रोड का साइड पूरा गार्डन बनाया, गार्डन है जहाँ घास का गार्डन, अच्छा नजारा लगता है। आपको घूमना है रोड के ऊपर ही घूमोगे तो आपको अच्छा लग जाएगा। दूसरा साइड का शॉर्टकट रोड पकड़ लेते कि हम जल्दी निकल जाए अपना घर, अंडरग्राउंड रोड में जा रहा है। गार्डन का पानी है आता है, ये जगह से पास करता है तो यहाँ गार्डन का पानी में जब थोड़ा आता है, ये जो आप राउंडा बोर्ड देख रहे हैं इसका नाम ब्रुज सावी बोलता है, और क्योंकि रासेल राउंडा बोर्ड भी बोलता है, रासेल इसलिए बोलता है क्योंकि यहाँ से
मस्कट का बाहर जो गाड़ी है जाता है, गाड़ी आप यहाँ से जाते रहते हैं, इसलिए इसको रासेल राउंड अप बोलते हैं, रासेल बोलते हैं। दूर दूर जितना आपको इधर सब टूरिस्ट बस अंदर सब मिलता है ये जगह, तो ये रासेल भी बोलता है। हम एयरपोर्ट छोड़ दिया, रासेल एरिया में आ गए। ये एरिया में आपको मावला भी बोलता है, मावला बोलता है या आप देख रहे हैं रास्ता कैसा है। देखो आसपास में घर गाड़ी सब है, सब क्लीन रहता है। सूखा है, झाड़ कम है, लेकिन क्लीन रहता है। एक पेट्रोल पंप में जा रहा हूँ। अच्छा, इधर एक बड़ा सामने एक बड़ा मार्केट है, सब्जी मार्केट। ये मस्कट का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ, गाड़ी तो नहीं जा सकता, शायद देखता हूँ अगर चांस है तो अंदर से थोड़ा एक राउंड मार के आ जाएंगे आपको दिखाने के लिए। शायद अभी बंद है, खुला है, मालूम नहीं, अभी मैं चेक करता हूँ। बोर्ड पे लिखा है सेंट्रल मार्केट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जा सकता, इधर से जा सकता हूँ, इधर से जा सकता हूँ। आप लोगों को थोड़ा देखता हूँ, थोड़ा दिखा देता हूँ मार्केट कैसा है। ये मार्केट है, प्याज है, इधर प्याज की मंडी है पूरा। ये प्याज सब, ये प्याज का मंडी है राइट साइड में, लेफ्ट साइड दुकान है। आगे देखता हूँ जा सकता हूँ नहीं, देखिए आसपास के सब दुकान है, आगे तो रास्ता ही बंद लगता है, सही बंद है, कैसे जाऊँ। गाड़ी तो नहीं जा सकता मेरे को लगता है, पूछ लेता हूँ किसी को। भाई इधर गाड़ी जा सकता है? भाई इधर गाड़ी जा सकता है? नहीं है, इधर गाड़ी नहीं जा सकता। चलो ठीक है, आपको मैं मंडी दिखा दूँ, तो बैग करके मैं निकल जाता हूँ। इधर नहीं जा सकता गाड़ी, बंद कर दिया ये पूरा, ट्रैफिक होता है इसलिए सब बंद कर दिया ये लोग।
ये जो बड़ा बड़ा ट्रक है इसके सब फ्रूट्स वेजिटेबल सब लेके आते हैं, आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा ट्रक। ठीक है, हम आपको थोड़ा बहुत तो दिखाया कि गाड़ी में है, अभी गाड़ी से ऐसे ही देख सकते, और अगर हाथ में कैमरा होकर अंदर जाता तो आपको और भी अच्छा दिखा सकते। ये सब फ्रूट है, देखिए सामने ये मैंगो सब फ्रूट है, ऐसा सेल कर रहा है, आप देख सकते हैं। बड़ा बड़ा सब ट्रक है, इसमें सब फ्रूट वगैरह लेके आते हैं। अंदर से बड़ा ट्रक ही जाता है, छोटे मोटे गाड़ी नहीं जाते। ये सब बर्गर मार्केट बैठ रहा है, अभी हम निकल जाते हैं। मार्केट के अंदर तो थोड़ा बहुत मैल होता ही रहता है, सामान ऑन सेल होता है, डेली का डेली ये लोग उठा लेते हैं। अभी हम निकल रहा है, अभी फिर रोड पे आ गया। ये तक हमारा सफर था, आगे फिर एक दिन कुछ और दिखाएंगे। तब तक के लिए मैं रखता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए, कुछ और बात है और कैसे मैं अच्छा वीडियो बनाऊँ कुछ हमको सजेशन दीजिए, फिर रखता हूँ। थैंक यू।